सो गाइस, ये जो वीडियो है ये पार्ट थ्री है। पार्ट टू और पार्ट वन में हमने बताया है आपको कि किस तरह से एमटीके का जो ये फ्लेशर है और ये टूल एंड एफआरपी इसको यूज करना है। ये जो हमने सीरीज शुरू किया है इसमें हम जितने भी यूएमटी के टूल्स व्यापार हैं उनके बारे में डिटेल्स दिया है कि किस तरह से उसको यूज करना है। तो पार्ट थ्री है, अभी नया ही शुरू हुआ है, तो आप जाकर पहले पार्ट वन पार्ट टू को भी देख सकते हैं। और उसके पहले मैंने एक यूएमटी का फुल सेटअप भी बनाया है जिसपे हमने ये बताया है कि यूएमटी को किस तरह से नया परचेज करके उसका पूरा सेटअप इंस्टॉल करना है, क्या क्या उसमें जरूरत की चीज़ें हैं जिसको हमें रखना है और क्या चीज़ उसमें बाइकआउट करना है, मतलब नहीं रखना है। तो सभी चीज़ हमने डिटेल्स में बताया है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। हम आपको इंड स्क्रीन पर डाल देंगे या फिर ऊपर आई बटन पर भी डाल देंगे वीडियो को, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जितने भी नए लोग हैं जो यूएमटी बिल्कुल नहीं जानते उनको तो शुरू से देखना ही चाहिए, और यहाँ से भी देखेंगे तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा। और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हें भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज किसी को नहीं होती है, हमें भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता है। तो जितनी हमें पता है हम आपको ज़रूर बताएंगे, और आप लोग भी अगर हो सके टाइम मिले तो आप लोग भी दूसरों को सिखाइए, क्योंकि आपको पता है सिखाने से ज्ञान बढ़ता है। तो अभी क्या करना है कि हमने फ्लेशर पूरा डिटेल क्लिक, इसमें जितना भी फंक्शन था उसको हमने क्लियर कर दिया बता के, और ये टूल एंड एफआरपी को भी। और अभी पार्ट टीम पार्ट थ्री जो है इसमें हम आपको क्लियर करेंगे एमटीके वन क्लिक को और पार्टीशन मैनेजर को, ये दोनों चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर अमूमन देखा जाए तो वन क्लिक में ही ज़्यादा यूज हम करते हैं इस यूएमटी का, ये एमटीके टूल का जो वन क्लिक है इसमें हम सबसे ज़्यादा इसी का हम यूज करते हैं। तो अभी आप लोग यूज में क्या करते होंगे कि यहाँ पे रीड इन्फॉर्मेशन, रीसेट एफआरपी और रीसेट, ये तीनों को क्लिक करके और ईडीजीएफएस पे यहाँ पे एग्जीक्यूट करके फोन को अनलॉक कर देते होंगे, इसी का सबसे ज्यादा यूज करते होंगे क्योंकि इसमें मॉडल वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे रीसेट एमआई अकाउंट दिया है, जैसे कई ऐसे एमआई के फोन है जिसमें मीडियाटेक सीपीयू लगा होता है, तो उनका अगर एमआई अकाउंट हटाना है तो यहाँ पे इसका हम यूज कर सकते हैं। और कई नए फोन जो आ रहे हैं जिसमें डिसेबल एमआई क्लाउड का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें कई बार एमआई अकाउंट नहीं हटता है, तो उसके लिए ये फंक्शन दिया होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पार्टीशन मैनेजर का एक तरह से आपको देखेंगे तो 6A और 6 के लिए स्पेशली दिया गया है, और इन इसको अगर हम साइड कर दें, इसके अलावा यहाँ पे आपको दिया है फॉर्मेट एनवी रैम और एनवी डाटा, तो इसके जरिए सबसे बड़ी काम आप कर सकते हैं, इसके बारे में कई लोगों को पता भी होगा। तो इससे क्या होता है कि इसको फॉर्मेट कर देने से जो आपका सीपीयू ईएमएमसी है, रैम है, उसके अंदर का जो पार्टीशन है वो क्लियर हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है एनवी रैम में। और उसको अगर पार्टीशन को आप चाहें तो उसको आपने खुद से भी आप चाहें तो उसको रख सकते हैं सेव करके। यहाँ पे आप देखिए रीड आरपीएमपी दिखा रहा है आपको, यहाँ से आप चाहें तो उसको रीड करके और राइट करके भी रख सकते हैं। तो इसका जो यूज है यही है। अभी इसमें क्या है कि ये जो चीज़ आपको दी हुई है, जैसे यहाँ पे ऑथ दिया है, पीएल दिया है, इनको तो आपको यूज ही नहीं करना है, इसको मतलब इसको आपको छेड़ना ही नहीं है, जो जैसा है वैसे रहने दीजिए, इसका तो कोई यूज़ नहीं है। अगर बाई चांस मान के चलिए कि आपके पास कोई फ़ोन आ गया जिसका ईएमआई रिपेयर करना है, बाई चांस मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि ये टूल 100% वर्किंग है, आप ये मत सोच के चलिए कि आप किसी भी फोन का ईएमआई रिपेयर कर लोगे। ये जो बहुत सारे वर्जन है जिसको सपोर्टेड नहीं है, जैसे अभी ये देखिए यहाँ पे वीवो ईएमआई रिपेयर दिया हुआ है, तो इसमें सिर्फ वीवो का ही रिपेयर होगा। तो यहाँ पे आपको जैसे देखिए 1, 2, 3 और एम, यहाँ पे आप देखेंगे तो सीरियल दिया हुआ है, और एमईडी फोन जो होते हैं जिसमें सपोर्टेड होता है उसके लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आपको मान के चलिए कि आपके पास फोन है वो डेड हो गया गलती से, कस्टमर के पास उसका बिल पड़ा हुआ है, तो उसमें ईएमआई नंबर आता है, आप उसको डाल के यहाँ से रिपेयर कर सकते हो। या फिर अगर आपको एनवी बैकअप लेकर रखे हो, जैसे यहाँ से मैंने बताया आपको, यहाँ से आप उस फोन का बैकअप ले सकते हो। बैकअप अगर आपको लेना है तो पहले सब सिंपल का करना है कि आपको फोन को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद से यहाँ पे रीड और दिखा रहा है आपको, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, अगर रीड करना है तो रीड, इरीज करना है तो इरीज। तो पहले तो आपको रीड करके रखना है, क्योंकि अगर मान के चलिए आप इरीज कर देते हो या फिर यहाँ से भी अगर आप इरीज कर देते हो तो बात एक ही है, लेकिन आपको फोन पूरा वो हो जाएगा डेड, मतलब नेटवर्क इशू आ जाएगा, क्योंकि उसका जब ईएमआई नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे। एनवी रैम अगर यहाँ पे एनवी रैम आप हटा देते हो तो पूरा फोन ही डेड के बराबर है, क्योंकि उसमें कोई पार्टीशन ही नहीं बचेगा जिसके चलते फोन चलता है, जिसमें सॉफ्टवेयर का वर्किंग होता है। ये पार्टीशन ही होते हैं जो हमारे फोन को चलाते हैं, अलग अलग पार्टीशन का अलग अलग वर्क होता है, तो वो नहीं रहेगा तो फोन चल नहीं पाएगा। तो उस तरह से आपको सबसे पहले इसको रीड करके रख लेना है बैकअप, यहाँ पे रीड पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देना, फोन को कनेक्ट कर लेना, अपने आप रीड करके आपको फाइल सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, किसी भी डेस्कटॉप वगैरह पे जाके आप उसको सेव करके रख सकते हैं। और भविष्य में अगर फोन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसे आप फिर से दोबारा उसको चला दीजिए फाइल को, आपका फोन ठीक हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल डाटा केबल से काम होता है, इसमें आप पिन आउट करके उसको नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको यूएफआई वगैरह खरीदना पड़ेगा। तो ये जो सिंपल वर्क के लिए है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप छोटी मोटी कामों को कर सकते हैं जो रैम से रिलेटेड है, ईएमएमसी से रिलेटेड है। अब देखिए इसके बाद से अब आपको जैसे यहाँ पे देखेंगे नीचे में, तो यहाँ लिखा है परमानेंट अनलॉक और यहाँ पे लिखा है रीलॉक बूट लोडर। तो इसका क्या यूज़ है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि कई फोन में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि उसका पोर्ट नहीं बन रहा है, तो या फिर पोर्ट नहीं बन रहा है, या फिर जैसे कई फोन में बूट लोडर अनलॉक करके कोई काम
किया जाता है बिना बूट लोडर को अनलॉक किए नहीं होता है। बूट लोडर आपको पता होगा कि सेटिंग में जाके उसको अनलॉक करना पड़ता है, लेकिन मान के चलिए कि आपका सेटिंग आप खोल नहीं सकते हैं, तो आप कैसे बूट लोडर अनलॉक करोगे, उसको ऑन करना पड़ता है। तो उसको अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा बूट लोडर, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए बूट रीलॉक बूट लोडर, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बूट लोडर रीलॉक, यानी कि देखिए जैसे कि ये है आपका परमानेंट अनलॉक, यानी कि यहाँ से जैसे क्लिक करके बूट लोडर अनलॉक किए तो आपका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा और आपने अपना काम कर लिया, और उसके बाद से फिर से यहाँ पे आप क्लिक करके उसको लॉक कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि आपका फोन का जो बूट लोडर है वो फिर से लॉक होकर सेव हो जाएगा। तो किसी भी फोन का बूट लोडर अगर अनलॉक रहता है तो उसमें क्या होता है, अगर फोन आपका गिर गया या फिर कुछ भी हो गया, उसमें इंपॉर्टेंट डाटा है तो वो अनलॉक रहेगा, तो कोई भी आसानी से उसको कुछ भी कर सकता है, उसके लिए ये सब चीज़ें दी होती हैं ताकि उसका आप रीलॉक करके फिर दोबारा फोन कस्टमर को दे दें। तो कुछ इस तरह से इसका हमें यूज करना है यहाँ पे। तो ये तो सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं पार्टीशन मैनेजर पे। अब पार्टीशन मैनेजर में भी बहुत ही काम का चीज़ है और ये नया अपडेट आया हुआ है पार्टीशन मैनेजर के, से पहले ये नहीं था। पार्टीशन मैनेजर में क्या है कि हमारे लिए सबसे जरूरी होता है कि जैसे मान के चलिए कि पहले क्या था कि मीडियाटेक जो फोन आते थे वेलकम के लिए तो हम डिलीट करके उसका फ्लैश फाइल रख लेते थे, लेकिन मीडियाटेक में ऐसा नहीं होता था कि अब आप किसी भी फोन का फ्लैश फाइल रीड करके रख सकते। जैसे मान के चले आपको नेट का इशू है, उतना 5-5 GB 2-2 GB का फाइल आप लोड नहीं कर सकते हो, तो ऐसे कंडीशन में आप पार्टीशन मैनेजर का यूज करके फोन को कनेक्ट करके रीड करके उसका फाइल रख सकते हो भविष्य में, अगर आपके पास ज्यादा फोन आता है फ्लैशिंग के लिए। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि आपके पास कोई फोन आ गया है मीडियाटेक का और आपको उसका फ्लैश फाइल रीड करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आएगा वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के फोन को कनेक्ट कर लेना है, फोन का यहाँ पे पूरा मॉडल वगैरह दिखा देगा, कनेक्टिंग हो जाएगा, उसके बाद से तब यहाँ पे ये फंक्शन खुलेगा पूरा लाइन से। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए रीड दिया है, राइट दिया है, फॉर्मेट दिया है, बैकअप सिक्योरिटी दिया है और रजिस्टर सिक्योरिटी दिया है। तो अब यहाँ पे जो क्या है कि जैसे मान के चलिए कि आपको फ्लैश फाइल फोन का रीड करना है, तो आप रीड पे क्लिक करके फ्लैश फाइल रीड कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं फ्लैश फाइल को। बात देखिए, फॉर्मेट करना है फोन को पूरी तरह से नीट क्लीन फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके अलावा फोन का बैकअप सिक्योरिटी लेना चाहते हैं, बैकअप सिक्योरिटी वही जो पार्टीशन मैनेजर मैंने बताया था उसके EMMC का पार्टीशन मैनेजर, तो उसको आप यहाँ से बैकअप कर सकते हैं और रीस्टोर भी उसको कर सकते हैं आप सिक्योरिटी को। तो ये फंक्शन आप इसको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन दिया हुआ है, इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप रीड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन खुलेगा कि जिसमें आपको रीड करके किस फाइल में उसको सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप कोई भी फाइल सेलेक्ट करके आप उसको सेव करके रख लीजिए। और यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे फाइलें खुल जाती है, जैसे कि उसमें देखा हुआ यूजर डाटा, बूट लोडर, कैश फाइल, ये सब करके बहुत सारी फाइलें होती हैं जो कि खुल जाती हैं। तो ये जो पार्टीशन मैनेजर है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये लाइन से जो चीज़ें दी हुई है बहुत ही काम की हैं, तो आप कुछ इस तरह से इनका यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी है क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है, अभी मैं थ्योरिकल समझा रहा हूँ, आगे प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाने वाला हूँ, टेंशन आप मत लीजिए, आप बस वीडियो को कंटिन्यू देखते जाइए। यहाँ पे आपको थ्योरी में भी आपको क्लियर हो रहा होगा, अब इसके बाद जब प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्ट जो दिया हुआ है, इसमें कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तभी ये तीनों खुलेगा, जैसे ही फोन मतलब परफेक्टली कनेक्ट हो जाता है बिना किसी एरर का, तो यहाँ पे आपको पूरा मॉडल वगैरह फोन का दिखा देगा इस जगह पे, और मॉडल दिखाने के बाद से आप पूरा नीचे आपका ये फंक्शन जैसे ही खुलेगा तब आप उसको जो चाहे वो रीड कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से इन दोनों का हमें यूज करना है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम QC फायर के बारे में जानेंगे, उसके बाद स्पेक्ट्रम का है, फिर GSM टूल है, बहुत सारे टूल है, सबको हम लाइन बाय लाइन समझेंगे, उनमें क्या क्या यूज है उसको समझेंगे। ये जो था ये थोड़ा सबसे ज़्यादा इजी था MTK वाला, इसके अलावा जो बाकी सब है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको अगर पिछला वीडियो में नहीं देखा आपने तो यहाँ पे आपको बता दीजिए, जो आप टूल्स एंड FRP देख रहे हैं इसमें ये इंस्टॉल नेविगेशन बार है, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसोगे तो आपको समझ में आएगा। ये पार्ट 2 में हमने बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।